नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामे कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। आज की कहानी आयुष की, जो मुंबई के एक फ्लैट में रहने के लिए जाता है। अभी आयुष की मुंबई में नई नई जॉब लगी थी और आयुष की शादी को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। आयुष के मम्मी पापा आगरा में रहते थे। आयुष की जॉब मुंबई में थी, इसलिए वो अपनी पत्नी मानसी के साथ मुंबई आ जाता है। उसे वहाँ पर एक फ्लैट ठीक ठाक दामों में मिल जाता है। उस समय नवरात्रे चल रहे थे, समय भी अच्छा चल रहा था। वो लोग घर में पूजा करवा कर रहने के लिए आ जाते हैं। रात में सोसाइटी में डांडिया था, वो लोग भी जाते हैं। सब बहुत एंजॉय करते हैं। मानसी और आयुष बहुत खुश थे। आज पहला नवरात्रा था, डांडिया डांस करके वो लोग अपने रूम में आ जाते हैं और सो जाते हैं। तभी रात 12 बजे के बाद उन्हें बाहर से किसी के दरवाजा पीटने की आवाज़ आती है। कोई दरवाजे पर बहुत तेजी से दस्तक दे रहा था। मानसी की आँख खुलती है, वो आयुष को उठाती है, पर आयुष बहुत थका होने के कारण उठ नहीं रहा था। दरवाजे पे दस्तक लगातार हो रहा था। मानसी दरवाजा जाकर खोलती है तो दरवाजे पर कोई नहीं था। मानसी दरवाजे से बाहर इधर उधर देखती है, उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर मानसी को लगता है कि शायद उसे दरवाजा खोलने में देर हो गई, इसलिए जो भी होगा वो चला गया होगा। उसे अजीब इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि देर रात तक वहाँ डांडिया का प्रोग्राम चलता रहा। मानसी को लगा हो सकता है उसी में से कोई होगा। वो आकर फिर से सो जाती है। सुबह आयुष को ऑफिस जाना था। मानसी नाश्ता बनाकर आयुष को ऑफिस भेजती है और फिर वो घर के कामों में बिजी हो जाती है, इसलिए वो आयुष को रात की कोई बात बता नहीं पाती है। सारे दिन मानसी अपने घर में सामान सेट करने में लगी रहती है और शाम हो जाती है। आयुष आता है, वो मानसी से पूछता है, आज तुम्हारा दिन कैसा गया? मानसी बोलती है कि वो आज सारे दिन घर के सामान को सेट करने में लगी हुई थी। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। आयुष दरवाजा खोलता है तो बिल्डिंग के ही कुछ लोग थे। वो लोग आयुष और मानसी से बोलते हैं कि नीचे डांडिया का प्रोग्राम चलेगा, आप लोग भी आना। आयुष मानसी से बोलता है कि कल मेरा एक दोस्त विजय अपनी पत्नी कविता के साथ आएगा। मानसी बोलती है ठीक है। आयुष मानसी से बोलता है जल्दी चलो, डांडिया शुरू हो गया। मानसी आयुष से बोलती है आप चलो, मैं दरवाजा लॉक करके आती हूँ। आयुष थोड़ा आगे निकल जाता है। मानसी जैसे ही दरवाजा लॉक कर जाती है, उसे अपने सामने के बगल वाले फ्लैट पर एक 8-10 साल की लड़की हाथ में एक डॉल लेकर खड़ी दिखती है। मानसी उस लड़की से बोलती है कि बेटा तुम नीचे नहीं जा रही हो। वो लड़की कोई जवाब नहीं देती है और बोलती है मेरी मदद करो। तभी आयुष मानसी को आवाज़ देता है कि मानसी क्या हुआ, जल्दी आओ। मानसी बोलती है हाँ आई, और वो लोग लिफ्ट से नीचे जाते हैं। मानसी आयुष से बोलती है आप नीचे नहीं गए तुम? आयुष बोलता है अकेले जाकर क्या करता। तभी मानसी कहती है कि सामने के बगल वाले फ्लैट में वो छोटी लड़की खड़ी थी, आपने देखा? आयुष बोलता है मैंने कोई लड़की नहीं देखा। तो मानसी कहती है हो सकता है वो उस समय ना खड़ी हो। फिर वो लोग नीचे बहुत मस्ती करते हैं। 11 बजे वो लोग अपने रूम में सोने आ जाते हैं क्योंकि आयुष को ऑफिस जाना था। सारे दिन ऑफिस में काम करके आयुष बहुत थक जाता है और वो जल्दी से सो जाता है। मानसी भी सो जाती है। तभी रात 2 बजे फिर से कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। मानसी की आँख खुलती है, लगातार कोई जोर जोर से दरवाजे को खटखटा रहा था। मानसी उठकर जाती है और दरवाजे के छेद में से देखती है, बाहर कोई नहीं था पर लगातार कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मानसी कुछ डर जाती है, वो डरते हुए दरवाजा खोलती है। उसे दरवाजे के बाहर वही छोटी लड़की दिखती है। मानसी उसे घर में बुलाती है और बोलती है कि रात में इतने छोटे बच्चे नहीं घूमते, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बच्ची कुछ नहीं बोलती, बस कहती है आंटी मेरी मदद करो। मानसी दरवाजा ऐसे ही बंद करके उस लड़की को सोफे पर बैठाती है और फिर आयुष को जबरदस्ती उठाकर लाती है और उस लड़की
के बारे में बताती है कि वो लड़की मदद मांगती है। जब मानसी आयुष को लेकर हॉल में जाती है तो वो लड़की हॉल में नहीं थी। मानसी परेशान हो जाती है कि कहाँ चली गई वो लड़की। मानसी को परेशान देखकर आयुष बोलता है, देखो दरवाज़ा खुला है, हो सकता है वो चली गई हो। फिर आयुष दरवाज़ा बंद करके मानसी को बेड पर सुलाता है और आयुष भी सो जाता है। तभी रात 3 बजे बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। मानसी फिर से उठ जाती है और आयुष को उठाती है, पर इस बार आयुष नहीं उठता और मानसी से बोलता है, तुम सो जाओ। मानसी आयुष से बोलती है कि बाहर से किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है, पर आयुष मानसी से बोलता है, कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा बहम है। पर मानसी सो नहीं पा रही थी, उसे वो आवाज़ लगातार आ रही थी। वो दरवाजे के हॉल से देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता और मानसी के घर का दरवाज़ा भी कोई लगातार खटखटा रहा था। मानसी इस सब से बहुत परेशान हो जाती है और पागलों की तरह चीखने लगती है, बोलती है, कौन है, कौन है। दरवाज़ा खोलने पर बाहर कोई नहीं होता। बाहर से लगातार चीखने चिल्लाने की आवाज़ और दरवाजे पे दस्तक से मानसी मेंटली परेशान हो जाती है। मानसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आयुष उठकर आता है और मानसी की ऐसी हालत देखकर उसे अपने साथ सोने के लिए ले जाता है। मानसी बार बार आयुष से बोल रही थी, बाहर कोई चीख रहा है, दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है। उसकी ऐसी पागलपन जैसी बातें सुनकर आयुष भी बहुत परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह उठकर आयुष अगल बगल में सब से उस फ्लैट के बारे में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि उस फ्लैट में उनसे पहले राजीव नाम का एक व्यक्ति रहता था, पर आजकल वो पागल खाने में है, वो मेंटली परेशान है। ये सब जानकर आयुष कुछ परेशान हो जाता है और फैसला करता है कि वो ये फ्लैट छोड़ देगा। फ्लैट तब छोड़ेगा जब उसे कोई दूसरा घर रहने के लिए मिलेगा। आज आयुष का दोस्त विजय और कविता आने वाले थे, इसलिए आयुष ये बात अभी मानसी से नहीं बताता। शाम को विजय आता है और आयुष से बोलता है कि तुम्हारे फ्लैट के सामने के बगल में एक बहुत प्यारी सी बच्ची खड़ी है, वो हमें बोल रही थी कि अंकल हमारी मदद कर दो। आयुष विजय की बात सुनकर आश्चर्य में आ जाता है। फिर मानसी भी वहाँ आती है, सब एक दूसरे से मिलते हैं। मानसी कविता से बोलती है कि तुमने भी उस छोटी लड़की को देखा? तो कविता बोलती है, हाँ। मानसी बोलती है, वो मदद मांग रही थी। कविता बोलती है, हाँ। आयुष बोलता है, छोड़ो ये सब और चलो जल्दी करो, नीचे चलते हैं। फिर सब लोग नीचे प्रोग्राम में जाते हैं। रात में कविता और विजय भी वहीं रुक जाते हैं। तभी रात 12 बजे के बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार आवाज़ आयुष को भी आ रही थी क्योंकि सब लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। आयुष दरवाज़ा खोलता है तो बाहर कोई नहीं था। फिर कुछ देर बाद फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। आयुष फिर दरवाज़ा खोलता है तो उसे एक छोटी लड़की वहाँ खड़ी दिखती है। वो बहुत अजीब सी हंसी में हंसकर बोलती है, आप मेरी मदद करोगे? आयुष को बहुत अजीब लगता है उस लड़की का बर्ताव। एक तो वो मदद मांग रही है, ऊपर से वो अजीब सी हंसी हंस रही है। विजय पूछता है, कौन है? तो आयुष पीछे मुड़कर बोलता है कि वही छोटी लड़की है। विजय उठकर दरवाजे पर आता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। आयुष एकदम चौंक जाता है। विजय और आयुष बाहर निकल कर देखते हैं पर वो लड़की कहीं नहीं होती और सामने के बगल वाले फ्लैट में ताला लगा होता है। आयुष भी कुछ परेशान हो जाता है। फिर विजय बोलता है, चल रूम पर चल, और वो लोग रूम में आकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। मानसी और कविता पूछते हैं, क्या हुआ, वो लड़की कहाँ है? आयुष उन लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोलता है, चलो चलो, अब बहुत देर हो गई है, सब लोग चल कर सोते हैं। विजय आयुष से बोलता है कि आयुष मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि भाभी कुछ उदास सी और डिस्टर्ब सी लग रही हैं, क्या कोई बात है? तो आयुष बोलता है कि हाँ, वो छोटी लड़की मानसी को अक्सर दिख जाती है और वो रात में बोलती है कि मानसी को कहीं से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, इसलिए वो डिस्टर्ब है। फिर सब सोने चले जाते हैं। तभी रात के 3 बजे फिर से कोई दरवाजे पर खटखटाता है और बाहर से चीखने चिल्लाने की बहुत आवाज़ आती है, जैसे कोई किसी को मार पीट रहा हो। घर में सब लोग उठ जाते हैं और बाहर झांकते हैं, बाहर कोई नहीं था, दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था। आयुष और विजय डर जाते हैं कि अभी तो बाहर कोई नहीं था, फिर ये दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? चीखने चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी। सब लोग अपने कान पर हाथ रख लेते हैं
और बहुत खौफ में रात बिताते हैं। उस रात कोई सोया नहीं, इस तरह से रोज रात में हो रहा था। मानसी सो नहीं पा रही थी क्योंकि ये आवाज़ें मानसी को जब से उस फ्लैट में रहने के लिए आई थी उसे रोज आती थी। वो धीरे धीरे अपना आपा खो रही थी। बार बार दरवाजा खोलने के बाद बाहर कोई नहीं दिखता। इस बात से आयुष और विजय भी थोड़ा डर गए थे और अब उन लोगों की दरवाजा खोलकर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। विजय आयुष से बोलता है कि ये सब मानसी के लिए ठीक नहीं है। और फिर सुबह होती है। सुबह होते ही विजय आयुष कविता को मानसी के पास छोड़कर बिल्डिंग के ऑनर से मिलकर सारी बातें बताते हैं। बहुत पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उस कमरे में पहले जो रहता था वो पूरा पागल हो गया और वो छोटी लड़की हर नवरात्रे के समय सबसे मदद मांगती है। दरअसल बात यह है कि आयुष के सामने के बगल वाले फ्लैट में कुछ साल पहले एक कपल अपनी बेटी बेबी के साथ रहने आया था। उस समय नवरात्रे चल रहे थे। बेबी के पापा शराब पीकर अपनी पत्नी और बेटी को मारता पीटता था। वही आवाज़ें रात में आती हैं। इस सब से परेशान बेबी की मम्मी ने आत्महत्या कर ली। बेबी के पापा ने बेबी की और अपनी जान ले ली, इसलिए बेबी नवरात्रे में सबसे मदद मांगती है। और इस खौफ से आज तक उस फ्लैट में और उसके अगल बगल में कोई रहने नहीं आया। भूत तो आखिर भूत ही होता है। बेबी की जब कोई मदद नहीं करता तो वो अष्टमी को उस इंसान को बहुत डराती है। डर से वो पागल हो जाता है। ये सारी बातें आयुष और विजय सुनकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि उस दिन अष्टमी थी। विजय आयुष और मानसी को अपने साथ अपने घर ले जाने को कहता है और बोलता है नवरात्रे के बाद फ्लैट से सारा सामान ले जाएंगे। आयुष विजय की बात मान जाता है और वो लोग रूम पर जाते हैं तो कविता फ्लैट के बाहर थी। उसे बाहर देखकर विजय बोलता है भाभी कहाँ है और तुम बाहर क्यों हो। कविता बोलती है तुम लोगों के जाने के बाद मानसी सोकर उठती है और भयानक सी हंसी हंसकर मेरा गला पकड़ ली। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बार बार बोल रही थी कि वो मानसी की जान ले लेगी और मुझे भी मार डालेगी। मैं जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर बाहर निकल आई। आयुष कविता की बात सुनकर बहुत परेशान होता है। विजय बोलता है कि मैं एक बाबा को जानता हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। विजय बाबा को लेकर आता है और मानसी को दिखाता है। बाबा बोलते हैं कि इस फ्लैट को तुम लोग जल्दी से खाली कर दो, नहीं तो मानसी की जान नहीं बचेगी। विजय और आयुष जल्दी से मानसी और कविता को लेकर वो फ्लैट खाली कर देते हैं। फिर नवरात्रे बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग अपना सामान लेकर दूसरे किसी फ्लैट में रहने लगते हैं। अब सब ठीक है पर वो खौफ भरी रातें वो लोग कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।